नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डैश कैम को इंस्टॉल करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। डैश कैम बहुत ही ज़रूरी होता है डे टू डे ड्राइविंग में। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारी गलती नहीं होती और हमें प्रूफ करना होता है, तो वहाँ पे हम इसकी हेल्प से प्रूफ कर पाते हैं। वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें इसको। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है, आज का वीडियो डैश कैम के ऊपर होने वाला है। ये मैंने क्यूबो का डैश कैम मंगाया है, 4K है ये। क्यूबो की डायरेक्ट साइट से आप इसको अमेज़ोन से भी ले सकते हैं। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मिलता है। ये डब्बा कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर डैश कैम है 4K का और प्लस रियर सेट भी है। क्यूबो ब्रांड है हीरो की तरफ से, जो गोप्रो का फेमस कैमरा है वो इसी ब्रांड का है। उसी ने मेड इन इंडिया हमारे लिए डैश कैम बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो इसकी अच्छी बात है मेड इन इंडिया है। और जो लोग नहीं चाहते चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करें, वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर QR कोड वगैरह सब अवेलेबल है, उसकी हेल्प से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरे के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। ये बॉक्स मैंने पहले ओपन करके चेक कर लिया था वीडियो बनाने से पहले, तो थोड़ा सा पैकिंग आपको यहाँ पे गड़बड़ दिखेगी। ये कवर आता है इसका, इसके ऊपर आप इसको कैमरे को इंस्टॉल करेंगे। ये QR कोड्स हैं, ये क्विक स्टार्ट गाइड भी है और साथ में इसके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए भी QR कोड दिया हुआ है। आप इसकी हेल्प से QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा कैसे करना है। ये मेन डिवाइस है, 4K डिवाइस है ये कैमरा। ये मास्टर डिवाइस भी कह सकते हैं। ये ऊपर माउंट करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप माउंट करेंगे इसको। ये कुछ इस तरह से दिखता है। पीछे इसके स्क्रीन दिया हुआ है, टच स्क्रीन नहीं है। इसको अगर आपको ऑपरेट करना है तो नीचे 4 बटन दिए हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हैं 4 बटन, इसकी हेल्प से आप मेन्यू को नेविगेट कर सकते हैं। चार्जिंग और SSD का और पावर बटन दिया हुआ है इसके अंदर, उसकी सहायता से आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे, बंद कर पाएंगे। रीसेट स्विच भी दिया हुआ है, कभी अगर प्रॉब्लम आती है तो रीसेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको रियर कैमरा जो एक्स्ट्रा फीचर है वो भी है अवेलेबल। ये दो वेरिएंट में आता है, विदाउट रियर कैमरा भी आता है और विद कैमरा भी आता है। तो ये मैंने विद रियर कैमरा भी लिया है, तो इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों रिकॉर्डिंग हो सकती हैं। इस वाले रियर कैमरे को आपको डबल टेप गम से चिपकाना होगा, डबल साइड जो टेप आता है। इसके अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है रेड कलर का, जो आप देख पा रहे होंगे। इसको हम पीछे लगाएंगे गाड़ी के, ये इन दोनों की मदद से आप फ्रंट एंड रियर दोनों रिकॉर्डिंग कर पाएंगे अपनी कार की। ये साथ में पावर अडेप्टर आता है, ये सिंगल USB के साथ है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी कि सिंगल USB दिया हुआ है। अगर ये दो USB पोर्ट दे देते तो एक से आप डैश कैम चार्ज कर पाते और एक से आप अपना मोबाइल चार्ज कर लेते। ये दोनों कैमरा को आपस में कनेक्ट करेगा, फ्रंट और रियर कैमरा को। ये यहाँ पे मेन पावर लगेगी और यहाँ से आप इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आउटपुट जाएगा रियर कैमरे के लिए। उसके बाद इस वायर का दूसरा जो पोर्ट है आप यहाँ पे लगा लें, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग जो होगी रियर कैमरे की भी फ्रंट डिवाइस में ही होगी, क्योंकि फ्रंट डिवाइस जो है इसकी मास्टर डिवाइस है। ये पावर केबल है, मेन जो सप्लाई जाएगी हमारी USB पोर्ट से मेन डिवाइस में जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दो वायर आते हैं, ये मेन डिवाइस है, साथ में रियर कैमरा है इसके और एक USB पोर्ट दिया हुआ है। साथ में एक्स्ट्रा ये टूल दिया है, जिसके हेल्प से आप वायर को मैनेज कर पाएंगे। केबल मैनेजमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने पहले HD डैश कैम लगाया हुआ था, इसके जगह मैं दूसरा डैश कैम लगाने वाला हूँ। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। विदाउट डैश कैम मेरे को कार चलाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों हम किसी से दबें। इसलिए डैश कैम जो है आपको हेल्प करता है, अगर आपकी गलती नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए। डैश कैम को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पे पोर्ट में अडेप्टर लगाया। यहाँ पे USB केबल लगाने के बाद इसको मेन डिवाइस से अब कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर पावर आ जाएगा। यहाँ पे पावर पॉइंट दिया हुआ है, ये USB A टाइप है, उसके बाद BI थी, अब C चल रहा है आजकल।
ये पावर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। पहली बार ऑन होता है थोड़ा टाइम लेता है, अदरवाइज़ 3-4 सेकंड में ये ऑन हो जाता है। आप फ्रंट देख पा रहे होंगे, आगे दिखा रहा है। इसको आप एडजस्ट कर लें अपने एंगल के अनुसार, जितना आपको एंगल चाहिए। इसको अभी वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर तरीके से कैसे एडजस्ट करना है। ये क्यूबो कोड है, मैंने स्कैन किया था तो क्यूबो ऐप खुल गया है। ये अब क्यूबो ऐप खुलने के बाद इसके अंदर आपको अपनी डिवाइस कनेक्ट करना होगा। वो स्टेप बाय स्टेप आप नेक्स्ट करते रहेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, ये आप देख रहे होंगे, फ्रंट वीडियो शो कर रहा है। यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ मैं। ये अपडेट मांग रहा है, आप बाद में अपडेट कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ ये फुल स्क्रीन में। अभी आप देख पा रहे होंगे पिलर ए का सिर्फ छोटा सा ही पार्ट दिख रहा है, जैसा व्यू उसमें आ रहा है सेम वैसे ही आपको मोबाइल में दिखाई देगा। तो इसकी हेल्प से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके एंगल। एंगल एडजस्ट करना मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करना है इसे। इसको आप पहले रख लें प्रॉपर तरीके से एक जगह पे, सेम जो आपको कैमरा दिखाएगा सेम आप इसको मोबाइल में देख पाएंगे। अब मैं इसको यहाँ रख के एडजस्ट करता हूँ कैमरे को। आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड का ज़्यादा शो कर रहा है, राइट साइड का इतना शो नहीं कर रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया है, ये आपको दोनों ए पिलर जो है लेफ्ट और राइट के आपको दिखने चाहिए कैमरे के अंदर। काफ़ी अच्छा वाइड एंगल कैमरा है ये 4K में, तो इसको आप दोनों पिलर के हिसाब से सेट करें। यहाँ पे सेट हो चुका है, यहाँ हाथ देख पा रहे होंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो है पिलर वो कैमरे के अंदर शो होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हो रहा है शो, ये लेफ्ट साइड और वो राइट साइड, लेफ्ट और वो राइट, ये दोनों अगर आपको इसमें शो होते रहेंगे तो आपका वीडियो अच्छा आएगा और आपको इजीली शो करने में आसानी रहेगी। अब रियर कैमरे को इंस्टॉल करते हैं। फ्रंट कैमरा तो हमने टेम्परेरी इंस्टॉल किया है, इसको भी एक बार कनेक्ट करके इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा आपको वायरिंग कैसे करना है। यहाँ पे रियर कैमरे के लिए आउटपुट है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था अनबॉक्सिंग करते टाइम। ये कुछ इस तरह का टाइप बी पोर्ट है, ये यहाँ पे लग जाएगा। इसको मैं लगाता हूँ, लग गया है ये। और इसको आपको पीछे वाला जो कैमरा है रियर कैमरा उसके पोर्ट के अंदर जो इसका दूसरा कनेक्टर है उसको कनेक्ट करना है, तो आपका ये भी कनेक्ट हो जाएगा फ्रंट डिवाइस से। यहाँ पे मैंने कनेक्ट करने के बाद इसको पेस्ट कर लिया है, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अब बारी आती है वायरिंग को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने की। तो अगर आपका जोन सी भी कार है उसमें तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको वायरिंग इस तरह से ही ले जानी होगी, रूफ़ लाइनिंग जो है उसके थ्रू होते हुए सी पिलर से ए पिलर की ओर। और कैसे करना है वो आपको देखना होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जनरली सभी कार में इसी तरह से होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपका काम ईजी कर देंगे। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी पिलर के बाद अब मैंने गेट की जो लाइनिंग है रबर लाइनिंग, यहाँ से मैं रूफ़ के अंदर से होते हुए इसको बी पिलर पे ले जाऊँगा। आपको ये काम बड़ी सावधानी से करना है क्योंकि वायर काफ़ी सॉफ्ट होता है, डैमेज ना हो जाए। अगर डैमेज हो जाएगा तो रियर कैमरा कनेक्ट नहीं रहेगा आपका, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये आप देख रहे होंगे धीरे धीरे से इसको आराम से आगे ले जाना है। और इसको रियर जो डोर है उसकी रबड़ और रूफ लाइनिंग के बीच में से इसको आपको अरेंज करते हुए ले जाना है। बाद में इस रबड़ को आप जैसे निकाला था आपने वैसे लगा दें, बहुत आसान होता है इसको निकालना और लगाना। अब बी पिलर से ए पिलर के लिए जाना है हमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक हमारा वायर आ गया है। हमारा वायर यहाँ तक आ गया है बी पिलर तक, इसको अब हमें बी पिलर से होते हुए ए पिलर की ओर ले जाना, जैसे हमने पिछले दरवाजे में किया था रियर डोर में, सेम वैसे ही फ्रंट डोर में भी हमें करना है। यहाँ की भी हमें रबड़ हटानी होगी, उसके बाद इसको जैसे हमने पीछे से ले गए थे आगे तक ए पिलर तक ले जाएंगे, यहाँ पे भी जैसे पीछे वाले वायर से ले गए थे ऐसे ही सेम यहाँ से ले जाना है। देख रहे होंगे आप सेम प्रोसीजर है,
अगर आप करेंगे तो बहुत आसान है। जो लोग खुद करना चाहते हैं वो इसको देख के वीडियो को कर सकते हैं बड़ी इजीली। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आने वाला है वो ए पिलर के अंदर आने वाला है। वीडियो में बने रहें और देखते रहें। ये हमने ए पिलर तक पहुँचा दिया है वायर को। यहाँ पर अब दो वायर एक साथ ए पिलर से जाएंगे, रियर कैमरे का वायर और जो मेन पावर सप्लाई है उसका वायर। ये देखिए, अब मैं इसको रबड़ पर लगा देता हूँ। मैंने ए पिलर तक वायर पहुँचा दिया है रियर कैमरे का। रियर कैमरा काफ़ी हेल्पफुल है, अगर आप चाहते हैं तो प्रॉपर पूरी डिवाइस ले लें, क्योंकि फ्रंट के साथ साथ रियर ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 2000 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगा तो आपको रियर डिवाइस भी मिल गई है साथ में। फ्रंट प्लस रियर तो काफ़ी अच्छा रहता है। नीचे से अगर कोई हिट करता है तो आप वो भी प्रूफ कर सकते हैं। और बाकी रिकॉर्डिंग तो करता ही है साथ में। वायरिंग हम यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं, अभी ए पिलर तक ले आए हैं। अब हमें ए पिलर के लिए ये प्लास्टिक जो मोल्डिंग है इसको खोलना है। यहाँ पे बड़ी सावधानी से करें क्योंकि प्लास्टिक पार्ट है, टूट सकता है। मुझे तो पता है कैसे करना है, अगर आपको भी आता है तो ईजिली आप इसको ओपन करें। अब यहाँ पर टिपिकल पार्ट ये आता है कि रियर कैमरे का जो वायर है यहाँ पर आ गया है, जो आगे डिवाइस में लगेगा। साथ में जो पावर केबल है उसको भी हम इधर से लेफ्ट साइड वाले ए पिलर में ले जाएंगे। यहाँ देख रहे होंगे दो वायर हैं हमारे पास, एक पावर केबल और एक रियर कैमरे का केबल। इन दोनों को हमें ए पिलर से होते हुए ले जाना है। ये दोनों वायर में से एक वायर तो पूरा पीछे चला गया है रियर वायर के लिए, और एक वायर हमें डैशबोर्ड से ले जाना होगा। तो उसके लिए हमें लेफ्ट ए पिलर का ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। ये दोनों वायर आ गए हैं, एक वायर तो सीधा पीछे चला गया है, दूसरा वायर ये नीचे यहाँ से आया और ये पावर केबल नीचे आ गया है ये यहाँ से। अब इसको मैं डैशबोर्ड के अंदर से होते हुए ले जाऊँगा और यहाँ पे लगाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली कैसे किया है मैंने। ये यहाँ पावर केबल प्लस रियर कैमरा केबल, दोनों केबल यहाँ से होते हुए फ्रंट रूफ से ये पिलर में होते हुए यहाँ से एक वायरिंग केबल चला गया है पावर केबल, और नीचे से इधर लगा दिया है, और दूसरा वहाँ से सीधा होते हुए पीछे चला गया है जो रियर कैमरे की तरफ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे रियर कैमरा लग गया है। वीडियो में देखिए आउटपुट किस तरह से आ रहा है इस कैमरे का। फ्रंट व्यू है ये, आप जज कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे जो थोड़ी प्रॉब्लम लगी, रिफ्लेक्शन आता है धूप जब होती है, सनशेड की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है। अगर आप सुबह और शाम को चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होगा। ये आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड का थोड़ा रिफ्लेक्शन कैमरे में आ रहा है, इमेज में, वीडियो में। अब इसके बाद मैं आपको रियर फुटेज भी दिखाने वाला हूँ। रियर फुटेज देखिए आप, ये रियर फुटेज है, ये HD में है, फ्रंट वाला 4K था। यहाँ पे आपको स्पीड भी दिखाता है, ये टाइम भी दिखाता है, और लोकेशन दिखाता है आप किस लोकेशन पे थे। तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।